अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर व आफ़ियत से होगा और अल्लाह हमेशा हमेशा अपनी फ़ज़्लो अमान में रखे। आज एक न्यू और ख़ूबसूरत रिश्ते के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो चुका हूँ। जो शेखपुरा से हमारे साथ एक रिश्ता मौजूद है जो 24 साल ख़वातीन है, तलाक याफ्ता है, तो इनकी कॉन्टेक्ट नंबर, इनकी सारी डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक देखें ताकि मैं सारे डिटेल स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को समझा सकूँ ताकि आप इनके साथ रब्ता कर सकें। उससे पहले जो बहन भाई हमारे चैनल्स पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी और बर वक्त सबसे पहले मिल सके, ताकि आप इनके साथ बआसानी रब्ता कर सके। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, लाइक करना ना भूलें। मैं अक्सर एक वीडियो में आप लोगों के साथ एक बात शेयर करता हूं, तो बात यह है कि जो ऐसी ख्वातीन है जो हम तक इश्तियार नहीं पहुंचा सकता है या मीडिया पर आना नहीं चाहता है, तो मर्द हज़रात से गुजारिश है कि अपने बारे में एक खूबसूरत सा कमेंट्स लिखे अपना उम्र के लिहाज से या अपना जो भी आपकी एड्रेस है आता पता वो मुताबिक लिखिए, ताकि वो कोई ख्वातीन आपके बारे में मैसेज देख सके और आपको आपसे इसी तरह रब्ता कर सके। तो ख़वातीन हज़रात से भी मेरा ये गुजारिश है जो ये हम तक इश्तहार नहीं पहुंचा सकता है या मीडिया पर आना नहीं चाहता है, तो लिहाजा वीडियो के नीचे भी कमेंट्स चेक करें। अगर किसी भी हज़रात की कमेंट्स आपको अच्छा पसंद आए तो उसी कमेंट्स पे कमेंट्स करें, तो आपकी कमेंट्स उसी शख्स के पास जाएंगे जिस कमेंट्स को आपने पसंद किया और जिसने लिखा है। तो इंशाल्लाह इसी तरह भी एक दूसरे के साथ आपका रब्ता हो सकता है। तो मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, रिश्ते की तरफ चलते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को इसी वक्त लाइक कीजिए। अब चलते हैं रिश्ते की तरफ। ये शेखपुरा से हमारा पास 24 साल ख़वातीन मौजूद है जो तलाक़ याफ्ता है। इनके पास कोई बच्चे नहीं हैं लेकिन इनको तलाक हो चुकी है। इनका कहना है कि मुझे अच्छे और नेक इंसान और नमाजी इंसान की ज़रूरत है। इनका कहना है कि मुझे बाकी कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ लिहाजा ये है कि ताकि मेरे ज़िंदगी और मेरे मुस्तकबिल अच्छा गुजर सके, ताकि मुझे दोबारा ऐसी ज़िंदगी का सामना ना कर सके जैसा अभी हो सका। तो लिहाजा इनको मर्द हज़रात से ये गुजारिश है, तो इन ख़वातीन को ऐसी रिश्ता चाहिए। इन ख़वातीन का ये भी कहना है चाहे पहली चाहे दूसरी शादी हो मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ यह है कि अच्छे इंसान होने चाहिए, अच्छे घर से उनकी ताल्लुक़ होना चाहिए ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी सी गुजर सके। तो लिहाजा अगर किसी भी मर्द हज़रात को इनके रिश्ता मंजूर है तो आप इनकी कॉन्टेक्ट नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर ना हो सका तो वीडियो के नीचे इनके लिए कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सका तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर आपने हमसे रब्ता करना है। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो लिहाजा हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आपके मैसेज उसी ख़वातीन तक जाएंगे तो जो इंशाल्लाह आपकी एक दूसरे की मैं रब्ता कर सकूं। और अक्सर लोग मुझे यही कहते हैं कि आप यहाँ पर उनकी तस्वीर उनकी वीडियो शो नहीं करवाते, लिहाजा मैंने पहले भी ऐसी वीडियो में कहा है कि मैं कभी भी किसी ख़वातीन की तस्वीर कभी उनकी वीडियो शो नहीं करवाना चाहता हूं, क्योंकि किसी की इज़्ज़त से मुझे कोई क्या है, लेकिन ये इज़्ज़त का मामला है। लेकिन मुझे कभी किसी की पर्दा कोई किसी का राज सामने नहीं रखनी है, लिहाजा इतना ही कर सकता हूं। जैसे पहले से वीडियो चलाता हूं तो इसी तरह मैं हमेशा काम करूंगा इंशाल्लाह। और जिसने भी रब्ता करना है तो आपको सारे डिटेल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारे ख्याल रखें। अल्लाह ने के बान